हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आर यूट्यूब चैनल। अभी हम लोग यहाँ पे मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड की एनालिसिस करेंगे एंड इस वीडियो में देखेंगे कल के दिन मीन्स यहाँ पे 24 सितंबर को किस तरीके से अपना प्राइस एक्शन पैटर्न दिखाएगा और इसके इंपॉर्टेंट लेवल्स कैसे रहने वाले हैं। तो आपको याद होगा हम लोगों ने कल के दिन लेवल डिस्कस किए थे और जिस तरीके से डिस्कस किए थे बिल्कुल उसी तरीके से हमारा पहला लेवल बहुत ही सही तरीके से मिला और उसके बाद ये साइडवेज चला गया। ठीक है, तो बहुत ही अच्छे तरीके से हमारा जो लेवल था जो हमने फ्राइडे के दिन डिस्कस किया था वो हमें देखने को यहाँ पे मिला है। वनडे टाइम फ्रेम पे आ गया हूँ। वनडे टाइम फ्रेम पे मैंने आपको बताया था कि बहुत बड़े कैंडल की अभी यहाँ पे एक्सपेक्टेशन नहीं है। ठीक है, एक दो छोटे कैंडल हम लोग को जब देखने को मिल जाएंगे एंड उसके बाद थोड़ा सा यहाँ पे हो सकता है कि बहुत से कंडीशन में क्या होता है ये रिट्रेस करके भी ऊपर की ओर जाता है। बहुत से कंडीशन में ऐसे ही एक दो कैंडल वोलेटाइल बना के साइडवेज बना के ये ब्रेक करके ऊपर की ओर निकल जाता है। तो कल के दिन थोड़ी सी प्रॉबिलिटी है ऊपर जाने की, लेकिन बहुत ज़्यादा ऊपर जाने की मतलब ये ऊपर जाने की प्रॉबिलिटी ज़्यादा नहीं है। ठीक है, इसके इसी बीच में कहीं पे थोड़ा सा वोलेटाइल होके ट्रेड करने की प्रॉबिलिटी ज़्यादा नज़र आ रही है। तो अगर हम लोग 15 मिनट टाइम फ्रेम पे चल के अपने कल की यहाँ पे प्रॉबिलिटी निकालने की कोशिश करेंगे, प्राइस एक्शन पैटर्न समझने की कोशिश करेंगे, तो नीचे हमारे पास स्विंग है 2500 12511 का एंड ऊपर स्विंग है 12750 का। ठीक है, तो इसके बीच में जिस तरीके से ऊपर इसने बहुत ही अच्छे तरीके से अपने आप को होल्ड के रखा है, होल्ड करके रखा है, टाइम स्पेंड कर रहा है। ठीक है, अगर यहीं से 12750 का लेवल ब्रेकआउट देता है तो हम लोगों के लिए जो टारगेट होना चाहिए वो 12800 का पहला होना चाहिए। ठीक है, एंड 12800 के आसपास का हमारा पहला टारगेट होना चाहिए एंड सेकेंड टारगेट जो हमारा होना चाहिए वो लगभग लगभग 12880 के आसपास का होना चाहिए। ठीक है, 12880 के आसपास का होना चाहिए। नीचे की बात करेंगे तो जब ये नीचे इसके ट्रेड करने आएगा तो सबसे पहले तो 12560 एंड उसके बाद लगभग लगभग 12450 ये लेवल्स के आसपास ही ये फिर से बाउंस बैक दे देगा। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि बायर्स बहुत ही अच्छे तरीके से इसको ऊपर की ओर लेके आए, यहाँ पे होल्ड कर रहे हैं और काफ़ी ऊपर से नीचे आएगा तो जिन लोगों ने यहाँ से इसको ऊपर की ओर भेजा अगेन वहीं से बाइंग करने लगेंगे और ये इसी टाइम में यहाँ पे टाइम अपना स्पेंड करेगा एंड बाद में जब यहाँ से फिर से रिवर्सल जाएगा एंड ऊपर की ओर ब्रेकआउट देगा तो एक अच्छा ब्रेकआउट मिलेगा और हम लोग को अगेन एक न्यू लेवल का लेवल देखने को मिलेगा। अल्टीमेट टारगेट फिलहाल के लिए हमारा 13,000 के आसपास है। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।